दिस इज़ प्रक्षित शर्मा, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज के ब्लॉग में आज हम जा रहे हैं अपने देवतों के मेल में जा रहे हैं, और मेरे साथ दो भाई हैं मेरे, हेलो, और मेरी मम्मा भी हैं, एक माँ है दो भाई हैं एक माँ है, और पापा भी हैं बट अभी वो बाहर गए हुए हैं। सो आज के ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे कि हमारे देवते कहाँ पे हैं। तो यहाँ से हैं वो सांबा में, सांबा कोई है कितना किलोमीटर से दूर, बाबा ब्रह्मदेव और माता लक्ष्मी। हाँ, तो हमारे देवतों का नाम है बाबा ब्रह्मदेव, हाँ, और माता लक्ष्मी। अच्छा अच्छा, तो आज अभी हम निकल गए सांबे से, आगे चकचड़ेली एक गांव है वहाँ पे हमारे देव। अच्छा, और सुबह क्या टाइम हो रहा है, और सुबह का टाइम हो रहा है 15 मिनट कम 10, और हम निकल गए हैं घर से। सो आपको दिखाते हैं रास्ता हेवी को। गाइज, हमने अपना सफ़र स्टार्ट कर लिया हुआ है और हम डिगियाना पहुँचे हुए हैं। तो इधर से पापा भी फ्रूट्स ले रहे हैं, और आगे आपको सफ़र दिखाते हैं। हियर वी गो। हम पहुंच गए अपने देवतों के मेल में, तो आपको अभी अंदर लेके जाएंगे। ये वी गो, ये मेरे बिहाइंड है, ये बिल्कुल आपको मैं अच्छे से दिखाता हूँ। सो ये एंट्रेंस है मेन, मैं भी बहुत देर बाद आ रहा हूँ इधर। ये रहा मेन, मैं तो चढ़ाओ करो ये रहा मेन मंदिर। जय ब्रह्मदेव। सो ये मेन एंट्रेंस है मंदिर के, इधर से हम अंदर जाएंगे। और ये है हमारे देव, जय हो। सो हमारे दर्शन हो चुके हैं, और बाकी हमारे फैमिली मेंबर्स ने भी दर्शन कर लिए हुए हैं। तो अभी बड़ा शोर होगा इधर, आपको इतना ऑडिबल नहीं है, बट बड़ा ही अच्छा लगेगा। हम इधर सारे बैठे हुए हैं। ये भी को बड़ी मम्मा, हाय करो, हाय। वो मेरे चाची जी, मम्मी पापा बूजी सारे, और मेरे बड़े भरा, हाय। ये मेरे मेशू भैया। हम इधर मेन मेले में जा रहे हैं हम तीनों भाई, अब देखते हैं इधर। मैं बड़ी लास्ट टाइम आया था, तो बहुत कुछ चेंज हो गया होगा अभी तक। पहले आया था भैया हमारा, बहुत कुछ बदल गया हुआ है। हाँ, स्कूल भी नया बन गया है, स्कूल भी बन गया हुआ है, बड़ा कुछ बदल गया हुआ है।
तो ये महाजनों की इधर मेल लगती है हमारे इसके बैक साइड। तो उनका मेला ये लगा चालू आइसक्रीम गोलगप्पे रोड सब कुछ मिलेगा आपको, सब कुछ देते हैं। तो देख लो कितनी भीड़ है इधर। मेरे भाई भी बड़े ढीले ढीले चलते हैं। बड़ी लास्ट टाइम भी सेम ही था, इतना फर्क नहीं था। लास्ट टाइम आया नहीं था इधर। ये देखो इन्होंने खिलौने लगाए। चलो वापिस चले, लड़ाई देख के ज्यादा दूर तक चले। चलो बेटा कौन है? वो नजारे दिखो। अब मेरे पास आओ। तो इधर से लेफ्ट ले लेंगे। लेफ्ट हमारा आ जाएगा जो भी हमारा देवता का स्थान है। इस साइड महाजन उनका तो बड़ा मजा आ रहा है। आफ्टर सो लॉन्ग मैं बड़ी देर बाद इधर आया। अच्छा लग रहा है, बचपन मेरा पूरा वो आगे मेमोराइज हो रहा है। बचपन कितना अच्छा होता था, कोई टेंशन नहीं होती थी। सो मेरे पापा और बड़े डैडी जी बैठे हुए हैं इधर, और भैया भी हैं। सो आगे की स्टोरी डैडी जी आपको बताएंगे इस मंदिर के बारे में। ये यहाँ ये हमारी मेल है लगती है, मंदिर है, अच्छा मंदिर है। तो ये प्राचीन समय की बात है, जब ये हमारे दादी माता लक्ष्मी जी है, उनका बेटा ब्रह्मदेव जी थे। ब्रह्मदेव जी के पिताजी का नाम वासुदेव था। तो वो जैसे माता लक्ष्मी जी और वासुदेव अपने बेटे को सांबे के राय के वाले छोड़कर घर के बाहर चले गए थे, तो किसी राजा ब्रह्मदेव को बहुत प्यार करता था। सांबे का राजा था, उसके 6-7 बेटे थे, एक बेटी थी। तो ज़्यादा प्यार होने की वजह से राजे की बेटी ने सोचा कि ये हो सकता है कि अपने भाइयों का हिस्सा भी जो है वो बात कर दे। उस समय उन्होंने वो ब्रह्मदेव जी को ठिकाने लगाने के लिए और उसको इसी स्थान पर आकर मारकर दबा दिया गया। उसके उसको मारा गया तो तुरंत उसको माँ हरिद्वार में थी, माँ हरिद्वार में वासुदेव जी लक्ष्मण जी हरिद्वार में थी, उनको वहीं पता लग गया। तो उस वक्त वो वासुदेव की तुरंत ही मृत्यु हो गई वहाँ हरिद्वार में ही। और वो माता लक्ष्मी जी उनका अंतिम संस्कार वगैरह करके करने के बाद वापस लौटी, आकर राजे के पास आई, राजे से मांगा उसने अपना बेटा। उसको बेटा नहीं मिला, उसको पता लग गया था। वो चलती चलती सांबे से चलती चलती जहाँ आ गई तो जी इसी स्थान पर उसके साथ कुत्ता भी था। कुत्ता ने वो कौन से खोदा वो जगह निकाली, तो फिर वो अपने साथ उनको उठाकर लेकर गई
उत्तरवैनी में, जहाँ वो उसकी चिता बनाई गई। चिता के बाद जिंदी वो अपने गुरु अपना बेटा ब्रह्मदेव को लेकर स्वर्ग चलेगी, जिंदी अग्नि हो गई उस समय से लेकर जहाँ उस जगह पर ये हमारी बोतरा बरादरी जो है मानती चली आई है। ये साक्षात बताया आपको माता लक्ष्मी जी, जय बाबा ब्रह्मदेव, जय बाबा वासुदेव। वासुदेव जो है वो इनका पिताजी थे, माता लक्ष्मी जी ब्रह्मदेव की माता। तो तब से लोग जहाँ पर बड़ी मन्नत के साथ आते हैं और उनके दर्शन भी अभी होते हैं, वो नाग के रूप में होते हैं। तो जो नाग के जो दर्शन होते हैं वो नाग की तीन मुंडियाँ हैं, तीन मुंडियाँ हैं, और वो किसी को दर्शन होते हैं। ऐसे भी नाग के दर्शन जहाँ होते हैं, मेन दर्शन उनके वही है, और उनके जो है मोरे जहाँ पर बनाए हुए हैं, और लोग आते हैं अपनी मन्नतें मानते हैं। जय बाबा लक्ष्मी की, जय माता लक्ष्मी की, जय बाबा ब्रह्मदेव की, और जय बाबा। वैसे अभी भी जब दर्शन होते हैं तो तीनों वो सांप की शक्ल में आ जाते हैं, तीनों जो कि हमने देखे भी हैं। तू भी देखे थे दो? ये पहली बार लिया था, जब ये पहली बार आया था आते ही दर्शन हो गए। हम जब पहली बार आए हमें दर्शन हो गए थे, उसके बाद ये कई बार हमें दर्शन हो गए, पर दो के माँ और बेटा जो है, माँ और बेटा के मैंने भी किए दर्शन। सांप की शक्ल में आते हैं, और इस जो बोली है नीचे, इस बोली में आते हैं, वही अंदर अंदर उस बोली में भी चले जाते हैं, उस साथ वाली बोली में भी चले जाते हैं। तीन मेलें लगती हैं, जहाँ एक माइनों की है, माइनों की सात बरादरियाँ हैं, उनकी सात की मेलें रहती है। बहुत दुनिया आती है। दिखाए मैंने मंदिर है, हाँ। बीच में मेल लगती है, वो गोत्रा बरादरी की है। अंदर अंदर उनकी भी बोली है, हमारे पास भी बोली है, बोली के दर्शन है, माइनों की भी बोली है। ये सारी बोली अंदर से जुड़ी हुई है, सब अंदरों अंदर वो दर्शन देने के लिए अंदरों अंदर आते हैं। तीनों जब आ जाएँ तो बड़ी किस्मत वाला होता है जो तीनों आते हैं। इसमें भी जब माँ और बेटा आते हैं उसकी शक्ल में, तो माँ बड़ी होती है, बेटा छोटा होता है, और मछली के अभी भी दर्शन होते हैं। हाँ, मछली के जो बोली अंदर बनी हुई है, बच्चे मछलियाँ तो अभी भी आप दर्शन कर सकते हैं। मछलियाँ तो बहुत हैं, लेकिन उसकी शक्ल में हमने बहुत बार किए हैं, माँ और बेटे के तो मैंने बहुत बार दर्शन किए हैं। आपके उसी शक्ल में आ जाते हैं, वो सच्चे दिल से आए, कोई ऐसे आए भीड़ भाड़ में नहीं आए, तो सबको दर्शन हो जाते हैं। और आज ये सांबा जी, सांबा के राजा हैं, ये बाबा ब्रह्मदेव है, ये माता लक्ष्मी है, ये चित्र है इनके। करो आगे, ये जब माता लक्ष्मी हरिद्वार से आए थे वापस राज दरबार में बेटे के बारे में पूछने, ये तब का चित्र है। ये उनका मृतक शरीर है बाबा ब्रह्मदेव का। सो अभी हम जा रहे हैं पानी के किनारे में, तो इधर ज़्यादा गहरा पानी नहीं होता, बट बड़ा अच्छा व्यू है। इट्स लाइक ए गोवा विद ए रिवर। सो आपको दिखाता हूँ, वेट ए मिनट, व्हाट ए व्यू मैन। ये सारा रेत है, सब अरे रेत है, और वो है पानी की जगह। फ्री बंदा होई जांदा अपना। आगे उस पहाड़ी तक, बड़ा ही अच्छा लग रहा है, देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं। तो इधर चक्कियाँ मारना है, धूप बड़ी है इधर, फिर भी देखो सिद्धू ने मारे ने जगह लगा लिया। स्मार्ट वर्क सिद्धू, अभी एक लड़का ना घोड़े के ऊपर फोटो खिंचा रहा था, उसके बाद चश्मा नहीं था। सिद्धू उसको अपना चश्मा दे के आ गया था, भैया ये लो फोटो खिंचा लो। वो बोलता भैया आपका भला करे भगवान। सब द सोसाइटी। पहले जब हम इधर आते थे ना, इधर ऊंट भी होते थे, तो कैमल राइड करते थे, बड़ा मजा आता था। पूरा वो ना पानी के बीच में से लेके जाते थे।
इधर पानी इतना गहरा नहीं है बट मिट्टी वाला पानी है तो वैसे मज़ा आता, मज़ा भी आता है फिर बाद में ऐसे मिट्टी मिट्टी लग जाती है। सो विशु ने डिसाइड किया कि वो अभी पानी के बीच में जाएगा, उसका मन कर रहा है ठंडे ठंडे उसके बीच में जाना है। पानी इसके बीच में जाएगा तो ये अकेले जा रहा है और कोई नहीं जा रहा है। सिद्धू ब्रो भी तैयार हो गया हुआ है। सो आज का लंच है हमारा, ये दिखने में बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, लेट्स हैव इट। सो अभी हमने लंच कर लिया हुआ है और हमने दर्शन भी बड़े अच्छे से कर लिए और आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, बाय। I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me.